जौलजीबी मेला मैदान में प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम का मुख्य अतिथि विधायक डिडियाड बिशन सिंह चौपाल द्वारा दीप प्रज्वलित कर श्री गणेश किया गया। साथ ही अतिथियों द्वारा विकास प्रतिनिधि स्थलों का निरीक्षण के साथ मेला नदी घाट पर स्थायी निरीक्षण व सफाई अभियान भी चलाया गया। कार्यक्रम में मनराजी परिवारों को 05 आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास के 33 चेक व चाबी, 03 महालक्ष्मी किट, 03 बच्चों का अन्नप्राशन, 3 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई, 2 उज्ज्वला कनेक्शन, सहकारी विभाग से 1,00,000 का चेक, मत्स्य पालन में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रसिद्धि पत्र भी बांटे गए। बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए बिशन सिंह चौहान ने कहा कि राजी जनजाति के साथ मुझे रहने का मौका मिला था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदिवासियों के लिए जनमन योजना चलाने हेतु आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान जनजाति कल्याण दिशा में एक दूरदर्शी पहल है। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत सभी जनजाति आदिवासी वन राजी को पक्का घर, हर घर नल, हर घर जल, गांव तक सड़क, हर घर विद्युत, शिक्षा के लिए हॉस्टल, कौशल विकास, दूर दराज गांव तक मोबाइल मेडिकल यूनिट, सभी को पोषण, उन्नत आजीविका, दुरुस्त गांव तक मोबाइल नेटवर्क से जोड़कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना है। उन्होंने कहा, सरकार द्वारा अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं होने से वन राज्यों की जनसंख्या बढ़ रही है। उन्होंने वन राज्यों से बचत की आदत डालने की अपील भी की। साथ ही आपको बता दें कि लाभार्थियों से दो तरफा संवाद कर प्रधानमंत्री ने कहा, विकसित भारत संकल्प अभियान का जनमन योजना अभी अंग है। आप लोग को अन्नप्राशन आप लोग का यहाँ पर होना है और जिलाधिकारी महोदय अन्नप्राशन यहाँ पर करते हुए शक्ति को डरता लिया मैम। और आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए महालक्ष्मी किट का भी यहाँ पर वितरण होना है। यस, चेक यहाँ पर प्रदान करते हुए हमारे आज के मुख्य अतिथि और हम भूरी भूरी प्रशंसा। आज आप सभी लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना है और उनके प्रधानमंत्री जो जनमन योजना के बारे में भी जाना और उनका जो मंतव्य है उनके बारे में भी समझा। आपने देखा होगा कि लगभग 100 डिस्ट्रिक्ट से लोग इस योजना में इस कार्यक्रम में जुड़े थे और जिसमें 6 डिस्ट्रिक्ट के लोगों के साथ प्रधानमंत्री जी का सीधा संवाद रहा और जिन्होंने अपनी बातें उनके सामने रखी और हम लोगों ने भी समझा कि अन्य जगह देश के अन्य जगह जनजाति जो है उनकी क्या स्थिति है, उनकी क्या एस्पिरेशन है, उनकी क्या स्थिति है और वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। अगर मैं पिथौरागढ़ की बात करूं तो यहाँ वनराजी समुदाय के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं जो अति पिछड़े जनजाति के अंतर्गत आते हैं। मतलब अनुसूचित जाति के जनजाति की जब बात करते हैं तो वैसे ही पिछड़े मानते हैं और जब पीवीटीसी ग्रुप बोलते हैं तो वो पिछड़ों में भी अति पिछड़े के श्रेणी में आते हैं। इसीलिए उनके उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम का लॉन्च किया गया और इस प्रोग्राम के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत 9 मंत्रालय की 11 योजनाएं इसमें सम्मिलित थी और जिसके लिए हम लोगों ने व्यापक सर्वे किया। प्रत्येक गांव जो 10 गांव यहां पर हैं वनराजी जनजाति के लोगों की, उनका सर्वे किया गया। यह देखा गया कि उनमें किस किस योजनाओं से उनको लाभ नहीं मिला है उसको ध्यान में रखते हुए जब व्यापक सर्वे हुआ तो पता चला कि कई लोग हैं जिनको विभिन्न योजनाओं से लाभ नहीं मिला है और उसके हिसाब से जो छूट गए थे उनके लिए हम लोगों ने प्रपोजल बनाए। इसको ध्यान में रखते हुए जितने प्रपोजल बने लगभग 85 परिवार ऐसे थे जिनके पास पक्का मकान नहीं था, उनको पक्के मकान में दिए के श्रेणी में रखा गया, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया। आज उन 85 लोगों को यहाँ पर उनके अकाउंट में फर्स्ट किस्त का उनको ट्रांसफर किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर सड़कें नहीं पहुंच पाई हैं, उसको पीएमजीएसवाई के अंतर्गत उनका सर्वे हुआ है और जल्द ही उनको सड़कों से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा एक सर्वे यह हुआ कि कोई गांव या कोई घर अगर यदि ऐसा है जहां पर स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही हो तो उसका भी सर्वे किया गया, जिसमें कुछ लोग जो यदि भी पता चला है कि समस्त गाँव में जो पेयजल की उपलब्ध कराने के लिए पहले से ही प्रयास हो रहे थे जो भी छूट रहे थे। भारत संकल्प अभियान का जनमन योजना अभी अंग है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज का आर्थिक सामाजिक उत्थान करना मुख्य उद्देश्य है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान में 39,00,000 जनजाति परिवारों को पक्के घर के साथ ही स्वस्थ व्यावसायिक प्रशिक्षण,
साथ ही उनको शिक्षित करने, विद्युत, पानी, सड़क, उन्नत आजीविका देकर मुख्य धारा से जोड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री ने कहा 1,00,000 आदिवासियों को पक्के घर, 1200 किलोमीटर सड़क, 910 आंगनबाड़ी केंद्र, 100 मेडिकल यूनिट, 500 गांवों के लिए मोबाइल टावर स्वीकृत कर दिए गए हैं। साथ ही 100 विद्यालयों में छात्रावास, 450 बहुउद्देशीय भवन, 80,000 आयुष्मान कार्ड, 30,000 किसान सम्मान निधि, 30,000 से ज्यादा खाते खुल गए हैं, 23,000 जमीन के पट्टे, 90 वन उपजों को MSP के दायरे में लाए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा 1,00,000 आदिवासी परिवारों को पीएम आवास की प्रथम किस्त धनराशि ऑनलाइन खाते में डाल दी गई है। उन्होंने कहा प्रत्येक पात्र परिवार को योजनाओं का लाभ मिले, यह मोदी की गारंटी है। 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य अवश्य पूर्ण होगा। उन्होंने योजनाओं का लाभ उठाने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा आजकल त्योहारों का माहौल है, देश भर में उत्तरायणी, पोंगल, लोहड़ी मनाई जा रही है। वहीं हमारे अति पिछड़े आदिवासी परिवारों के घर भी दीपावली का माहौल है। आज से आदिवासी परिवारों के घरों का काम प्रारंभ हो रहा है, दीपावली अपने घरों में ही मनाएंगे। उन्होंने जिले, प्रदेश व देश के अधिकारियों को भी इस जनमन योजना का लाभ पहुंचाने हेतु बधाई दी। जनमन योजना पर सरकार 24,000 करोड़ खर्च करने जा रही है। सरकार समन्वय भाव से ऐसे ही आगे भी कार्य करेगी। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख धन सिंह नामी, पूर्व विधायक गगन रजवार, मुख्य विकास अधिकारी नंदन कुमार, जिला विकास अधिकारी रमा गोस्वामी, SDM धारचूला मनजीत सिंह, CMO HS सियाकी, समाज कल्याण अधिकारी दिलीप कुमार, DPRO हरीश आर्या, बाल विकास अधिकारी संजय गौरव, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी पंकज मंद आदि अधिकारी मौजूद थे। साथ ही कई स्टॉल भी इस कार्यक्रम में लगाए गए थे। विभागों के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम इसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा टोटल 144 OPD की गई। साथ ही सेकाल सेल का टेस्ट किया जिसमें 12 लोगों के टेस्ट हुए। TB का 109 लोगों का टेस्ट हुआ और आयुष्मान कार्ड 7 बनाए गए। की गई है 500 गांवों के लिए 200 से ज्यादा मोबाइल टावर भी स्वीकृत किए, जो जनजातीय विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। आइए हम सब मिलकर इस महाअभियान में आगे बढ़कर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के जनजातीय भाई बहनों के उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करें। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी देश के विभिन्न हिस्सों से पीएम जनमन मिशन से जुड़े लाभार्थियों से संवाद करेंगे। आइए सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ के जशपुर चलते हैं, जहां बगीचा ब्लॉक से श्रीमती धन कुमारी जी जुड़ी है। कार्यक्रम स्थल में भारी संख्या में जनता देखी गई। जनता में वनराजी संघ के लोग काफी मात्रा में आए थे। आज वनराजी लोगों को चेक, उज्ज्वला कनेक्शन व अन्य कई चीज़ें जो आपको पूरे बताई मिली हैं, उनमें खुशी का माहौल देखने को मिला। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की जनमन योजना सही और सफल साबित होती भी दिखाई दे रही है। साथ ही आज शकुना दाल के द्वारा जिलाधिकारी व CTO का स्वागत किया गया। साथ ही उन्होंने मनजीत सिंह SDM धारचूला को भी जलजीवी आने में धन्यवाद दिया और उनका स्वागत किया। आश्रम अतिथि स्कूल में कार्य नहीं मिलने की शिकायत भी एक महिला वनराजी ने की है। उन्होंने जिलाधिकारी से कहा कि वनराजी हम हैं और हमें आश्रम पद्धति में चपरासी की या चौकीदार की जो भी नौकरियां उपलब्ध होती थी, आज उन नौकरियों से हम वंचित हैं। बजट का रोना रोकर हमको नौकरी नहीं दी जा रही है, हम 2 माह से खाली बैठे हैं। उसके बाद पता नहीं बचत खत्म हो गई या पता नहीं क्या हो गया, हम 2 महीने से घर ही बैठे हैं। उसने मतलब उसका अभी ना ही कोई सूचना आई है ना ही कुछ, तो हमें गुजारिश यही है कि जो भी मतलब सरकार की तरफ से जितना भी हो सकते है हमारी मतलब जॉब के लिए पूर्ण कोशिश करे जो भी है, और बड़ापुर आश्रम में जो भी हमारी स्कूल की मतलब 1 से लेकर 10 तक की है राजी जनजातियों के लिए, तो हम कृपा करते हैं कि वो मतलब 1 से लेकर इंटर तक हो जाए ताकि गरीब बच्चे वहाँ पढ़ सके। अंत में सांस्कृतिक कार्यक्रम की धूम भी यहाँ पर देखने को मिली। धर्मा के द्वारा एक बहुत सांस्कृतिक गायन यहाँ पर किया गया, नृत्य पेश किया गया और इस पूरे कार्यक्रम का मंच संचालन करण थापा के द्वारा किया गया।
प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री जी ने भी सीधे संवाद किया है। पिथौरागढ़ की बात करें तो यहाँ वनराजी समुदाय निवास करता है, जिसमें लगभग 10 गांव में इनकी यह निवास करते हैं। इसके अंतर्गत विगत कुछ दिनों से हम लोग सर्वे कर रहे थे और जो 9 मंत्रालय की जो योजनाएं हैं उनका सर्वे किया गया और जो लोग उसमें छूटे थे सभी को 100% सेचुरेशन का काम किया गया है। इसमें जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो लोग छूट गए थे उनको उसके अंतर्गत सम्मिलित किया है। आज फर्स्ट किस्त भी उसमें वितरित की गई है। इसके अलावा कुछ जो डॉम्स के अंतर्गत गांव आते हैं और जहां पर सड़कें नहीं पहुंची उसका भी सर्वे किया गया है, एस्टिमेट भी बना दिया गया है। इसके अलावा 6 गाँव में हम लोगों ने मल्टीपर्पज सेंटर भी प्रपोज किया है, जिसको भी हम लोगों ने प्रपोजल भी भेजा है। और इसके अलावा आधार कार्ड से भी हम लोगों ने सैचुरेट किया है, आयुष्मान से भी सैचुरेट किया है। उद्देश्य यही है इस योजना का कि जो भी योजनाओं का लाभ मिलता है सभी जनजातियों को उसका लाभ मिले और कोई भी इसमें छूटे ना। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब DCL News।